हेलो एवरीवन, आज हम लोग जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का पार्ट सेकंड का स्टडी करेंगे। जिसे देखिए, फॉर ओशन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ 2 weeks इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन। फॉर अ सन वर्शिपिंग, वर्शिपिंग वर्शिपिंग का सेंस है आराधक या पूजा। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, लाइक माई सेल्फ मेरे जैसे सूर्य आराधक दक्षिण भारतीय के लिए उस स्थान में दो सप्ताह रहना जहाँ संपूर्ण पृथ्वी के 90% बर्फ का भंडार है, पूरे पृथ्वी के 90% आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड बर्फ का भंडार है, इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट यह एक कष्टदायक व्यवस्था है, चिलिंग कष्टदायक है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी में होता है रक्त बहाव एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में से कल्पना। नॉट फॉर सर्कुलेटरी केवल रक्त संचार और मेटाबॉलिक फंक्शन शरीर के भौतिक, मेटाबॉलिक का सेंस है भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के लिए नहीं बल्कि फॉर द इमेजिनेशन बल्कि कल्पना के लिए भी। इट्स लाइक वॉकिंग इंटू जायंट पिंग पोंग बॉल, जायंट मतलब बहुत विशाल बहुत बड़ा। इट्स लाइक वॉकिंग इंटू जायंट पिंग पोंग या कुछ ऐसा है जैसा कि कोई एक विशाल पिंग पोंग गेंद के अंदर चला जाए, यह कुछ ऐसा है जैसा कि कोई एक विशाल पिंग पोंग गेंद के अंदर चला जाए। डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स नॉट ट्रीज बिलबोर्ड्स बिल्डिंग्स, मतलब कहा जा रहा है डिवाइड का सेंस होता है कमी होना, डिवाइड में से कमी होना। डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स जहाँ मानवता के लिए कोई चिन्ह न हो, मार्कर्स जहाँ मानवता के लिए कोई चिन्ह न हो। नॉट ट्रीज न वृक्ष, बिलबोर्ड्स न विज्ञापन तट, बिल्डिंग्स न इमारतें। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, यहाँ आकर आप पृथ्वी के, आप यहाँ आकर पृथ्वी से संबंधित सारे परिदृश्य और समय को भूल जाते हैं, यहाँ आकर आप पृथ्वी से संबंधित सारे परिदृश्य और समय टाइम को भूल जाते हैं। द विजुअल स्केल रेंजेज फ्रॉम दी
माइक्रोस्कोपिक टू दी माइटी। दृष्टि की पहुंच कहा जा रहा है यूजुअल स्केल। दृष्टि की पहुंच कभी सूक्ष्मदर्शी तो कभी विशाल विशाल। देखिए द विजुअल स्केल रेंजेज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, यानी दृष्टि की पहुंच कभी सूक्ष्मदर्शी तो कभी बड़ी विशाल। मिड्स एंड माइट्स, देखिए मिड्स एंड माइट्स, मिड्स का सेंस है छोटा कीड़ा और माइट्स का सेंस है मोटी मकड़ी। टू ब्लू व्हेल्स एंड आइस बर्ड्स बेल्जियम, कहा जा रहा है कि क्षुद्रतम प्राणियों से लेकर के छोटे प्राणियों से लेकर के यहाँ नीली व्हेल, छोटी प्राणियों से लेकर के यहाँ नीली व्हेल और बर्फ के टीले हैं। ब्लू व्हेल, नीली व्हेल और बर्फ के टीले हैं। ब्लू व्हेल एंड आइस बर्ड्स एज बिग एज कंट्रीज, जो देशों के बराबर हैं, जो देशों के बराबर हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम, मतलब सबसे बड़ा बेल्जियम के बराबर तक का देखा गया है। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आर ऑस्ट्रल समर लाइट, मतलब दिन चलते ही जाते हैं। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन यानी दिन चलते ही जाते हैं, यानी समाप्त होने में नहीं आते, समाप्त होने के लिए नहीं आते। ट्वेंटी, देखिए समाप्त होने के लिए नहीं आते। सरियल का सेंस है स्वप्निल। 24 आर ऑस्ट्रल, 24 आर ऑस्ट्रल, ऑस्ट्रल में से दक्षिणी, ऑस्ट्रल में से दक्षिणी। समर लाइट मतलब 24 घंटे, कहा जा रहा है कि 24 घंटे अवास्तविक दक्षिणी प्रकाश में, 24 घंटे ऑस्ट्रल समर लाइट अवास्तविक प्रकाश में या अवास्तविक दक्षिणी प्रकाश में। एंड अ यूबिक्विटियस साइलेंस, और यहाँ एक सर्वव्यापी सन्नाटा रहता है। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस देखिए, यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी या सर्वव्यापक, यहाँ सर्वव्यापी सन्नाटा रहता है। इंटरप्टेड ओनली बाई द ओकेजनल ओकेजनल अवालांच आर कॉलविंग कॉलविंग आइस सीट, जो या तो तब टूटता है जब अचानक कोई बर्फ की नदी बनती है। कहा जा रहा है कि तब टूटता है जब अचानक कोई बर्फ़ की नदी बनती है। देखिए एवालांच, एवालांच का मतलब है बर्फ़ के तूफान। ओकेजनल मीन्स कभी कभी। आइस सीट कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, इट्स एन इमर्शन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, या कोई बर्फ के चट्टान टूटकर इस स्थान को पवित्र करती है। देखिए कहा जा रहा है कि इट्स एन इमर्शन, इट्स एन
इमर्सन, अर्थात वह कहना चाहते हैं कि या कोई बर्फ की चट्टान टूटकर इस स्थान को पवित्र करती है वह धर्म दीक्षा है, करें कि वह धर्म दीक्षा है दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जो आपको मजबूर कर देंगे कि आप स्वयं को पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास जियोलॉजिकल भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में देखें। क्लियर, मतलब कहा जा रहा है आप स्वयं को पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में देखें, इस बात के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। एंड फॉर ह्यूमन, और मानव के लिए द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, और मानव के लिए प्रोग्नोसिस में होता है पूर्वानुमान, और मानव के लिए पूर्वानुमान या मानव के लिए परिणाम की भविष्यवाणी अच्छी नहीं है। कहा जा रहा है कि मानव के लिए भविष्यवाणी अच्छी नहीं है। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर ए पॉल्ट्री 12,000 ईयर्स बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। कहा जा रहा है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में सोता सभ्यता, मानव सभ्यता यहाँ पर 12,000 वर्षों से है। मानव सभ्यता यहाँ पर 12,000 वर्षों से है। देखिए पोल्ट्री का सेंस है तुच्छ, यानी इस पूरे का सेंस है कि मानव सभ्यता यहाँ पर मात्र 12,000 वर्षों से है। बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन अ जियोलॉजिकल क्लॉक, भूगर्भीय घड़ी में, देखिए जियोलॉजिकल क्लॉक भूगर्भीय घड़ी में यह मात्र कुछ सेकेंड ही होते हैं, भूगर्भीय घड़ी में यह मात्र कुछ सेकेंड ही होते हैं। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, उस छोटे से कालखंड में वेव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट रकस का सेंस है शोर शराबा। कहा जा रहा है कि भूगर्भीय घड़ी में यह मात्र कुछ सेकंड ही होते हैं, उस छोटे से कालखंड में हमने काफ़ी हलचल मचाई है, कह रहे हैं उस छोटे से शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, उस छोटे से कालखंडों में हमने काफ़ी हलचल मचाई है। इचिंग आवर डोमिनियंस ओवर नेचर विद आवर विलेजेस टाउन्स सिटीज मेगा सिटीज, देखिए We managed to create quite a ruckus, itching our dominance over nature. प्रकृति के ऊपर हमने अपने अधिकार ग्रामों में, प्रकृति के ऊपर हमने अपने डोमिनेंस अधिकार गाँवों में, टाउन्स कस्बों, सिटीज नगरों, मेगा सिटीज और महानगरों के रूप में लिखा है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पेसिस फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन,
मानव की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, मानव की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण, जनसंख्या कारण हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पेसिस फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस, हमें लिमिटेड रिसोर्सेस सीमित साधनों के लिए दूसरी प्रजातियों से लड़ना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि हमें सीमित साधनों के लिए, लिमिटेड रिसोर्सेस सीमित साधनों के लिए दूसरे प्रजातियों से बैटलिंग लड़ना पड़ रहा है। एंड द ह्यूमन अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, और खनिज तेलों के लगातार जलाए जाने के कारण, कहा जा रहा है कि और खनिज तेलों को लगातार जलाए जाने के कारण पृथ्वी के संसार के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी परत बन गई है। क्रिएटेड ब्लैंकेट ऑफ कार्बन, यानी पृथ्वी के चारों ओर, या इस पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी परत बन गई है। विच स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पृथ्वी के औसत तापक्रम को बढ़ा रहा है। देखिए, स्लोली जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से, श्योरली निश्चित रूप से पृथ्वी के एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ा रहा है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। क्लाइमेट चेंज, जलवायु में परिवर्तन, क्लाइमेट मीन्स जलवायु में परिवर्तन हमारे समय की सबसे अधिक गर्मागर्म पर्यावरणीय बहस का विषय है। यानी कहा जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंजिंग है, जो जलवायु परिवर्तन है, वह हमारे समय में, यानी हमारे लिए सबसे गर्मागर्म पर्यावरणीय बहस का विषय है, डिबेट्स है, पर्यावरणीय बहस का विषय है यह समय है। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की परत पूरी तरह पिघल जाएगी? कहा जा रहा है क्या वेस्ट अंटार्कटिक, क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ आइस एंटायरली पूरी तरह से पिघल जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड, क्या जैसा कि इसे जानते हैं उस प्रकार के संसार का अंत हो जाएगा? क्या जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रकार के संसार का अंत हो जाएगा, डिसरप्टेड टूट जाएगा, अंत हो जाएगा? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, मे बी मे नॉट बी, शायद नहीं, दोनों में से कुछ भी हो, शायद नहीं, आइदर वे दोनों में से कुछ भी हो। अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट
इन दिस डिबेट। क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स होता है महत्वपूर्ण, यानी अंटार्कटिका हमारी बहस का महत्वपूर्ण तत्व है। अंटार्कटिका हमारी बहस का महत्वपूर्ण एलिमेंट तत्व है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, न केवल इसलिए कि संसार में एकमात्र स्थान है, विच हैज़ नेवर सस्टेंड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसने मानव जनसंख्या का कभी पोषण नहीं किया, जहाँ पर मानव जनसंख्या नहीं रही, एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रिस्पेक्ट। देखिए, और इसलिए इस बारे में यह अन्य स्थानों की तुलना में पहले जैसा स्वच्छ है, कहा जा रहा है कि और इसलिए अन्य स्थानों की तुलना में यह पहले जैसा स्वच्छ है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। काजरक, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बर्फ के अभ्यंतर में, कहा जा रहा है कि इसके बर्फ के अभ्यंतर में बर्फ की परतों में 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन के रिकॉर्ड कैद हैं। हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड, यानी 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन के रिकॉर्ड कैद हैं। इफ वी वांट टू स्टडी, यदि हम स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यदि हम पृथ्वी का भूत वर्तमान और भविष्य का अध्ययन व उसकी जांच पड़ताल करना चाहते हैं, एग्जामिन जांच पड़ताल करना चाहते हैं, तो अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो, तो अंटार्कटिका ही ऐसा स्थान है जहां हमें जाना है। स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग ऑन द शोकशकी एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विद अपॉर्चुनिटीज विच विल हेल्प देम फॉस्टर अ फ्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट। प्लैनेट मीन्स ग्रह। स्टूडेंट्स ऑन आइस मतलब कहा जा रहा है बर्फ पर छात्र, स्टूडेंट्स ऑन आइस बर्फ पर छात्र। द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द शोकशकी मतलब बर्फ पर छात्र नामक जिस कार्यक्रम के लिए मैं शोकशकी पर कार्य कर रही थी, कहा जा रहा है कि बर्फ पर छात्र नामक जिस कार्यक्रम के लिए मैं शोकशकी पर कार्य कर रही थी। एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, उसका ध्येय हाई स्कूल के छात्रों को
दुनिया के छोर पर ले जाकर उन्हें प्रेरणाजनक शैक्षणिक अवसर प्रदान करना था। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि उसका ध्येय हाई स्कूल के छात्रों को दुनिया के छोर पर ले जाकर उन्हें प्रेरणाजनक शैक्षणिक अवसर प्रदान करना था, प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। मतलब प्रेरणाजनक शैक्षणिक अवसर प्रदान करना था, विच विल हेल्प देम फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट, जिसमें उनमें अपने ग्रह के प्रति एक नई चेतना व आदर पैदा होने में सहायता मिले। देखिए, विच विल हेल्प देम फोस्टर न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट। मतलब कहा जा रहा है कि जिससे उनमें अपने ग्रहों के प्रति नई चेतना व आदर पैदा होने में सहायता मिले। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, इसे आरंभ हुए अब 6 वर्ष हो चुके हैं, हेडेड बाई कैनेडियन जियोफ ग्रीन। कहा जा रहा है कि इसका प्रमुख कनाडा के जियोफ ग्रीन हैं। कहा जा रहा है कि हेडेड बाई कैनेडियन जियोफ ग्रीन, यानी इसका प्रमुख कनाडा का जियोफ ग्रीन है, हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियासिटी सीकर्स हु वुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, जो प्रसिद्ध व सेवानिवृत्त धनी जिज्ञासु। कहा जा रहा है कि जो प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज और सेवानिवृत्त जिज्ञासु और वे लोग केवल सीमित रूप से ही कुछ कर सकते थे, एंड हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। मतलब और वे लोग जो लिमिटेड वे सीमित तरीके से ही कुछ कर सकते थे, विद स्टूडेंट्स ऑन आइस को वहाँ ले जाते तंग आ गए थे। अर्थात कहा जा रहा है कि और कुछ सीमित लोग जो करने के लिए तैयार थे को वहाँ ले जाते और तंग आ गए थे, विद स्टूडेंट्स इन आइस, बर्फर छात्र, ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट। देखिए, विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, बर्फर छात्र, कार्यक्रम से वह नीति निर्धारण निर्धारकों की भावी पीढ़ी को जीवन परिवर्तित कर देने वाला अनुभव प्रदान करते हैं, और ऐसी आयु में जब ग्रहण करने कहा जा रहा है कि और ऐसी आयु में जब ग्रहण करने सीखने के लिए ऐसी आयु में जब ग्रहण करने के लिए सीखने के लिए और इससे भी महत्वपूर्ण बात
यह है, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। देखिए व्हेन कहा जा रहा है कि व्हेन, जब वे दे आर रेडी टू एब्जॉर्व, जब वे एब्जॉर्व करते हैं, आत्मसात करते हैं उन चीज़ों को, ग्रहण करने, लर्न सीखने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कुछ करने के लिए तैयार होते हैं।